जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज मैं एक बहुत ही बड़ी योजना के साथ इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मोदी फ्री लैपटॉप योजना 2019 के बारे में आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप भी फ्री में लैपटॉप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 10th और 12th जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप योजना का शुभारम्भ यहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों, लगभग 23 लाख लैपटॉप जो है बांटने की बात यहां पे सरकार द्वारा की गई है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेटों ने अभी हाल ही में 2018-19 में 10th या 12th क्लास पास की है, तो दोस्तों उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप फ्री लैपटॉप योजना का जो लाभ है कैसे उठा सकते हैं, किस प्रकार से आप इस योजना के माध्यम से कहां से फॉर्म आपको ख़रीदना है और उस फॉर्म को फिलअप करके आप कहां पे जमा कराएंगे जिससे आपको फ्री लैपटॉप जो है प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाई बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह करूँगा कि आप इसी तरीके की योजनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको फ्री लैपटॉप योजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहां पे दिखाई दे रहा है फ्री लैपटॉप स्कीम यूपी 2019, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी योजना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी मुफ्त लैपटॉप योजना 2019। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है इस मुफ्त लैपटॉप योजना के तहत केवल उन्हीं छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा जिन्होंने अपनी वार्षिक परीक्षा यानी कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 60% या 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। कहने का मतलब, जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं और 12वीं के अंतर्गत फर्स्ट डिविजन से जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे लैपटॉप देने की बात यहाँ पे कही गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है स्पष्ट रूप से कि 10वीं और 12वीं पास के छात्र इस मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए पात्र हैं। जो छात्र पहले से ही 12वीं कर चुके हैं और जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा लैपटॉप है जो छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। इस योजना का जो बजट है 1800 करोड़ रुपए रखा गया है। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के लिए खुद को यहाँ पे पंजीकरण करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो इस योजना का जो नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पर योगी फ्री लैपटॉप स्कीम योजना 2019 रखा गया है। इसका टोटल जो बजट है वो 1800 करोड़ यहाँ पे रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब 10 लाख यानी कि 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों को यहाँ पे जो लैपटॉप है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप बेनिफिशरी 10th और 12th क्लास पास स्टूडेंटों को यहाँ पर दिया जाएगा और लैपटॉप का जो रजिस्ट्रेशन मोड है वो यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है कि आप ऑनलाइन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं तो यूपी फ्री लैपटॉप स्कीम 2019 के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट की ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैंडिडेट का होना चाहिए और उसके बाद जो मार्कशीट है, अगर 10th से अप्लाई कर रहा है तो 10th की मार्कशीट और अगर 12th से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 12th की मार्कशीट होनी बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट के पास जो आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड होता है, तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं या अपना राशन कार्ड या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं आईडी के तौर पर। योगी मुफ्त लैपटॉप योजना 2019, दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने लैपटॉप योजना को बंद कर दिया है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अगर फिर से सत्ता में आती है तो वह इस योजना को फिर से शुरू करेंगे और मेधावी छात्रों में मुफ्त लैपटॉप आवंटित करेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांटे जाएंगे। तो दोस्तों, इस योजना का कुल बजट जो है 1800 करोड़ रुपए होगा। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास छात्र इस योजना के लाभार्थी होंगे। जो छात्र 12वीं पास कर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिल
ले चुके होंगे वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी जो है केवल उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को ही यहाँ पे जो है इस योजना का लाभ देने की बात यहाँ पे कही गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बहुत ही अच्छी योजना है जिसके माध्यम से आप फ्री में लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से आप लैपटॉप प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको एक अखबार की कटिंग जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये अखबार की कटिंग दिख रही है, इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक्शन में योगी यूपी के उच्च शिक्षा ले रहे युवाओं को तोहफा की देने की तैयारी किसानों ने किया था, 25 लाख लैपटॉप बांटेगी सरकार। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस अखबार की कटिंग के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सरकार है वो 23 लाख लैपटॉप बांटने की बात यहां पे कह रही है, यानी कि जो भी कैंडिडेट है जिनके 12th या 10th के अंतर्गत 60% से ज़्यादा नंबर आए हैं उन सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर लैपटॉप देने की बात यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों इसके लिए किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे, अभी इसके जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की है, कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं अगला वीडियो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।